शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए आदि। हाँ। रोड कब आएगा यार? मैं रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओके। आ गया। ये रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शट अप। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ? ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग, हम घर चले जाएंगे, जानू चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। रॉय, वेल डन, शूट हिम। तो हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ, अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर, चल आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ, मुझे पता है ना। आई नो, इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर टू प्ले द गेम ऑफ डेथ? यू स्केर्ड? इट्स ओके। ओह, बच गए। ही सेव्ड। अब मेरी बारी है। करेक्ट। यस। ये आपका ब्लड शुगर कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इन दिनों आपने कुछ मिठाई तो नहीं ज्यादा खा ली? नहीं तो डॉक्टर साहब, कल ही तो खाई थी मिठाई। अरे कल तो प्रसाद खाया था मैंने थोड़ा सा। अरे तो प्रसाद को प्रसाद की तरह खाना चाहिए ना, खाने की तरह तो नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गई उनसे। अरे घर में डाइट फूड बनाती हूँ ना, तो होटल चले जाते खाना खाने। तुम मुझे यहाँ दिखाने लाई है कि मेरी शिकायत करने आई है? अरे डॉक्टर साहब, क्या बात कर रही है? अरे सुनिए मेरी बात को, इतनी लाइटली मत लीजिए आप लोग। खाने पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो खामखा आपको इंसुलिन पर जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपका ब्लड शुगर अभी चेक कर लेता हूं। लाइक जस्ट चल भाई, उठ भाई, ये क्या हो रहा है? चलो नहीं बात कर रहे तेरे भाई का, टाइम बंद हो गया। अभी क्या हो रही है? अभी जाओ। कौन है? डॉक्टर साहब आप? अरे आप हैं, हम लोग वहाँ जो सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था। देखिए भाई साहब, हमने तो उसी दिन आपसे कहा था कि पुलिस को बुला लेते हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ भी कहा था कि गैराज चले चलते हैं। आप ही ने मना किया था कि नहीं वहाँ नहीं जाना है। आप जितना भी नुकसान हो गया है, गाड़ी के लिए नहीं, पेशेंट को लाए हैं। इमरजेंसी केस है क्या? इमरजेंसी? अच्छा कहाँ है पेशेंट इमरजेंसी का? क्या
नहीं दिया 50 पेटी? हाँ देख, अगर शाम तक नहीं दिया ना तो 6 के 6 डाल देना साले के भेजे में, समझा? तो ये आपको इमरजेंसी केस दिख रहा है, हाँ? अच्छा खासा हेल्दी इंसान है, खुद चल करके आया, इसे आप इमरजेंसी कहते हैं? मतलब कंधे पे आएगा, स्ट्रेचर पे आएगा, तभी इमरजेंसी होगी। भेजा फाड़ के गोली से टपक के आएगा तब देखेंगे। भाई साहब मुझे आपकी ये सब नॉनसेंस जो है ये मुझे सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब चलिए बाहर निकलिए अब एकदम। एक मिनट, शाम को मिलते हैं। आप बाहर निकलिए, बाहर लाइन है, जब आपका नंबर आएगा तब अंदर आएगा, समझा? हाँ लाइन बीन सब क्लास, क्या इनको देखते ही सब भाग गए हैं, इनको देख करके चले गए। कौन है ये, कौन है आप भाई साहब? आप कोई डॉन है? आप भाई हैं? आप तो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आप बाहर क्यों जाएंगे? आप तो अंदर आएंगे। आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए आप अंदर आइए। और आप आएंगे भी क्यों? आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था, मैं आ जाता। आप रुक क्यों गए? आप चलिए, आप बिल्कुल चलिए, आप यहाँ तक चल के आइए, या आइए। और आप खड़े हो, आप बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए। नहीं मैं क्यों बैठ रहा हूँ? आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए जी, बैठ जा भाई, तू भी बैठ जा जी। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब क्या तकलीफ, क्या आपको, मैं क्या क्या हुआ क्या आपको? डॉक्टर साहब आप उनका एक दोस्त है, आप उनकी लाइन का है। 2 दिन से सालाना वो हिलेली पार्टी हो गए। हिलेली बीमार? हाँ वही 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 बीमार है, बीमार। अच्छा बीमार, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों इनके साथ वांदा हैं। नहीं भैया बीमार, आपके लाइन के लोग भी बीमार हो जाते हैं, मेरा मतलब बीमार है आपके दोस्त, आपके दोस्त को तकलीफ हो गई है। कुछ लोगों को तो आपको देखकर तकलीफ हो जाती है। <आपके दोस्तों क्या>? वैसे हुआ क्या उन्हें? डॉक्टर साहब 2 दिन पहले वो एक आइटम से टकराया, बस उसके बाद उसकी जिंदगी खलास। ये बोलना उसको हर जगह ना वही लड़की नजर आती है। ए डॉक्टर साहब सपने में भी वही छोकरी नजर आती है, आँख खोलते छोकरी सामने खड़े ली, जितना भी ट्राई मारो पर भागती नहीं है, धंधा खराब हो गया उसका। अरे ना किसी को मार सकता है, हाथ पैर नहीं तोड़ सकता, गोली नहीं चला सकता। बस 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 यार। डॉक्टर साहब आप उनके हिसाब से तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, बाकी आप डॉक्टर हैं, आप जाने। हाँ वो तो मैं हूँ, मैं तो हूँ डॉक्टर। You see, there is no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? वो दिन भर सो नहीं सकता, तुम बोलता है कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर दिल धड़कता है, हाथों में लर्जिश होती है, कांपते हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब नहीं था कि वो बीमार नहीं है। मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपके दोस्त हैं उनकी शादी हो गई? नहीं, कोई लड़की। कोई लड़की बड़की का चक्कर नहीं है लंगोट का, बहुत पक्का। नहीं पक्का भाई साहब, ये जो आपके दोस्त हैं उनकी ये दिखने में कैसी है? अरे डॉक्टर साहब मस्का है, मस्का मस्का है, यानी ब्यूटीफुल। नीली नीली आंखें, गोल्ड कलर का है ना उसका बाल है। डॉक्टर साहब आप उनके हिसाब से उसने उससे खूबसूरत लड़की देखी ज नहीं है। देखिए आपके दोस्त को तो एक बहुत ही खूबसूरत बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी हुई है जिसका इंतजार हर इंसान को होता है। आपके जो इधर आइए, आपके जो दोस्त हैं इनको जो बीमारी हुई है उसका नाम है प्यार। और एक बात बताता हूं आपको कॉन्फिडेंशियली, आपका दोस्त कोई और नहीं, आप खुद हैं। कमल के डॉक्टर हैं आप। थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। मैं क्या हो सकता हूँ, मैं क्या अच्छा हो सकता हूँ? मैं तो बोला ना बहुत अच्छे, बोला ना। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ, थैंक यू निकलता हूँ यहाँ से। चल ये बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट हैंडसम, सॉरी टॉल तो भूल गया। आई एम गुड नर्स। जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर आदि। इंस्पेक्टर रॉय कहिए। पाशा कहाँ है? पाशा अब आदमी जो उस
गाड़ी में आया था? इस जीप में आया था। हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। उसने पहले हम पर जानलेवा हमला किया और फिर हमारी जिप्सी लेकर भाग गया। क्या कह रहे हो? जानलेवा हमला किया और फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? क्या? और उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? 15 लाख? 15 लाख? सवाल के क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। और जो भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे सरकार से 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख? 15 लाख मुझे मिलेंगे। मैं पकड़ूंगा उसे। ओ, तो तुम लोग जिंदा बच गए? हम लोग तो बच गए पाशा, लेकिन कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते पाशा। पाशा? पाशा कौन? तुम पाशा। मैं पाशा? बोला ना, मैं पाशा। हाँ, पाशा। Your game is over, पाशा। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? I'm Inspector कबीर। पाशा भाई, पाशा भाई, दुबई से कब आए? मैं पाशा नहीं हूँ। Okay. अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, इंस्पेक्टर आदि आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। आइला इंस्पेक्टर आदि, आइला इंस्पेक्टर रॉय भी है। भागो, भागो। पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो पाशा को। 15 लाख? पकड़ लो। इंस्पेक्टर, तुम्हारा मोबाइल है? वही रुक जाओ। वरना क्या? क्या कह रहा है? सेंड बटन दब जाएगा और 10 करोड़ की सारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर चतुर्वेदी के पास पहुंच जाएगी। हाँ। कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है। हाँ। सिर्फ दबाने की जरूरत है। बटन। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। मेरी उंगलियों की रफ्तार तुम्हारे पैरों के रफ्तार से ज्यादा तेज है। और रुक जाओ इंस्पेक्टर, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। समझ गया, यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज। तुम यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? जहां जाते हो गलत काम करते हो, खून खराबा होता है, लाशें गिरती हैं। तुम देखो, अगर भाई उसको नहीं टपकाता ना तो वो भाई को टपका देता क्या? अरे बहुत अच्छा होता अगर टपका देता, कम से कम मेरा पीछा तो छूटता। क्या कहा आपने? अगर मैं मर जाता तो आपको अच्छा लगता? खुशी होती आपको? हाँ हाँ हाँ, जीना हराम कर दिया तुमने हमारा। जब से तुमसे मुलाकात हुई है मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो, दिमाग का सुकून चला गया है मेरा। आपको अपनी सुकून की पड़ी है, मेरी चिंता ही नहीं है आपको। क्यों चिंता होगी भाई साहब, क्यों चिंता होगी? आप हमारे लगता क्या है? हमारा आपका रिश्ता क्या है? बहुत बड़े भाई होंगे आप, मेरे भाई तो नहीं है ना आप। भेजे में बहुत लावा फूट रेला है, ग्लूकोज पियो ठंडक पहुंचेगी। ठीक है लाओ। माना भाई आपका भाई नहीं है लेकिन पेशेंट तो है। थैंक यू, आपको सुकून वापस आया। देखिए मुन्ना भाई, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है ना वो सिर्फ क्लिनिक तक होता है, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसका मेरे पास भाई साहब कोई इलाज नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब जी,
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ आप ही के पास है। क्या बताओ डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूं। हर जगह वही दिखाई देती है। बैलकनी में खड़ा था तो नीचे दिखाई दी, सोते जागते बैठते उठते वही दिखाई देती है डॉक्टर साहब। ये देखिए, ऐसा लग रहा है वही आ रही है। देखिए देखिए। अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही? तू जा जा जा। भैया हाँ वो मेरी एक तू जाना तू जा। मुबारक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, तुम्हें कैसे जानती हो? जी भैया मैं इनसे मिल चुकी हूँ। लेकिन क्या कर रहे हैं? ये आपकी बहन है? हाँ वो मेरी छोटी सी बहन है। मेरे से भी हाथ मिला हुआ है, बहन का भाई। डॉक्टर साहब यही वो लड़की बीमारी। अरे मुबारक हो मुबारक हो। मैंने कहा था ना आपको कि बीमारी आप ही दिखाएंगे और इलाज आप ही के पास होगा। करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब। अरे मेरे साले, मैं तेरा जीजा, तू मेरा साला। अच्छा टेंशन डॉक्टर साहब। मुबारक हो, डब्लू मिल गया। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। किसी को और कुछ पूछना है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको है ना ये सारा माल अकेले नहीं ले जाने देंगे, पता रहे? नहीं नहीं, नो वेस्ट। अरे एक मिनट एक मिनट, मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूँ हम सब पैसे निकालेंगे, वो मिल बांट के खा लेंगे। अरे मोबाइल है। सॉरी सॉरी सॉरी, फोन ऑन करना होगा आपको। चलो चलो जोर से खुद का खानी बे, क्या होता ना वर कर लो। एनी बहन ने हरी भाई लेगा आगे गया भाई। माना कमान जोर लगा। या वेरी गुड टाइम प्लीज। खोदो खोदो जल्दी करो कमान। खोदो 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 खोदो। माना खोद, तू क्या बोल रहा है? खोदो। हाँ ठीक है ठीक है, वो ठीक है। खोलो बस करो, खोद 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 खोद। हाँ साबित, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे तुमने मारा दिख रहा है, जल्दी खोदो बेटा, पैसा मिलेगा। बाबू हाथ दो। आजा आजा, खोदो बेटा पैसा मिलेगा। जय जवान, खोद बेटा पैसा मिलेगा। कम ऑन कम ऑन, 10 करोड़ रुपए। चल ना तू, भाग जाना। हे तमीज से बात कर, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। आतंकवादी बाहर निकल। आ रहा हूँ भाई। चलो फटाफट पैसे बांट लेते। बांट लेंगे। एक हिस्सा नारी का, थैंक यू। एक हिस्सा भमन का और एक हिस्सा आदि मानव का। एक मिनट एक मिनट, एक हिस्सा मतलब तुम लोग एक यूनिट हो ना? हाँ, ये दोनों एक ही यूनिट है, ये दोनों एक ही यूनिट है। हम यूनिट टेस्ट थोड़ी दे रहे हैं कोई, हम जाएगा हलवा है क्या? दो यूनिट है हम लोग। और बमन की गाड़ी जो तोड़ी थी तुम लोगों ने, उसका पैसा तो दोगे ना बमन को? हाँ, बमन की नहीं, बमन के बाप की गाड़ी थी, उसका पैसा मुझे चाहिए। हाँ। तो अंकल वो पैसे बमन से ले लो, उसके हिस्से में से। गाड़ी तुमने तोड़ी थी, मैं अकेला क्यों भरूं?
अबे तो कौन मरेगा बे, तेरी गाड़ी हो। ए तुम तीनों भरोगे और कौन मरेगा? एक मिनट यार, आदि मानव अपने एक हिस्से से पैसे क्यों भरेंगे? ये नाइंसाफी है यार, नॉट फेयर। अरे बार बार एक हिस्सा क्यों बोल रहे हो यार? दो हिस्सा है ना। अबे भारत में है क्या दो हिस्से चाहिए तेरे को? तेरी तो। अबे सुनो, हमारा 5 करोड़ अलग करके बोल रहे हो ना। गाँव बसा नहीं और ये भिखारी पहले ही पहुंच गया। रॉय और इसका 50-50 हो रखा है। 50-50? तेरे बाप का माल जो टबर के साथ बांट रहे। साले तू बाप पे मर जाएगा। चलो माफ पे जाएंगे। एक केजी क्लास चुप, तू घूम। क्या करेगा तू जासूस के दो? साले फटो, तेरी बाप फटो होगा तेरा बाप। फिर बाप, ये रॉय ने चूड़िया नहीं पहन रखी है, समझा? साले बाप पे चला तेरी। अरे तू 5 करोड़ लेने आया था ना, तू यहाँ क्या खड़ा है? ले ना। अरे छोड़ हमें। क्या दबा रहा बे शर्म? तुझे क्या चाहिए? 5 करोड़। हाँ मिल गए 5 करोड़। बुड्ढे तेरी कबर यही बना दूँगा। मेरी कबर क्या खोल दिया? रिपीट टेलीकास्ट, चुप कर। रिपीट टेलीकास्ट नहीं, लुक ही इज रनिंग वेरी फास्ट। मुन्ना भाई, आइए आप खड़े क्यों यहाँ? आइए बैठिए, बैठिए, आइए बैठिए। तो कहिए मुन्ना भाई, लड़की मिली? डॉक्टर साहब मिली। अच्छा, बरोबर मिली। कल पे हाथ भी लगा। अपुन का तो ब्लड ही जम गया। लेकिन वो बोली कि वो 10-15 दिन के लिए बाहर जा रही है। अपुन तो बोल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो बाहर गई है तो वापस भी आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरा क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा? देखिए देखिए, आप डॉक्टर, आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पेशेंट्स को कौन देखेगा? वही सच मेरा है, वही सच मेरा काम है। मारना, धमकाना, हाथ पैर तोड़ना, गोली मारना। लेकिन आजकल ना मैं धमका पा रहा हूं ना मैं गोली मार पा रहा हूं। अरे पहले ना डॉक्टर साहब आंख बंद करके गोली चलाता था, अभी अभी आंख खोल के भी गोली चलाता हूं तो जगह पे लगती नहीं। ये निशाना तो एकदम चूक गया आपका, ये रिवॉल्वर नीचे कीजिए, एकदम नीचे कर दीजिए। हाँ देखिए मुन्ना भाई, ये लड़की से मिलने आप ये रिवॉल्वर लेकर के गए थे? तो मिल चुकी लड़की। भाई साहब, लड़की से मिलने रिवॉल्वर लेकर के नहीं, फूल लेकर के जाते हैं। फूल, ये फूल, फूल। आप ये रिवॉल्वर यहां रख दीजिए, बिल्कुल यहां, यहां रख दीजिए, ले लीजिए। बस एक ही है कि और हाँ अच्छा हाँ यार बस दो
दो ना, एक मिनट, इधर उधर कहीं एक और ढूंढ लीजिए। अच्छा हाँ, वो अभी यहाँ रख लीजिए। एक दो तीन, तीन तीन ही है ना? एक मिनट, एक अच्छा वो हाँ ना, उसको भी यहीं रख दीजिए। हाँ यहीं रख दीजिए। हाँ बस बस, देखिए ये फूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये फूल लीजिए। लड़की के पास जाइए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कीजिए, इंसानों की तरह बात कीजिए। डॉक्टर साहब, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ कुछ भी, लेकिन आप बताइए वो लड़की मुझे मिलेगी ना? मिलेगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, हाँ जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर जी। बात मैं जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल जाओ। हाँ नमस्कार, जाता हूँ। अच्छा बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। 1 2 3 4